मनुवादी ये जानते हैं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति खड़ी है और बार बार ये उंगली लेकर ये कह रहे हैं कि इस पर संसद पर कब्जा करो, जो सबसे बड़ी देश की पंचायत। 14 अप्रैल को तमाम कैबिनेट आई और कैबिनेट ने पूरा भगवान बुद्ध बाबा साहब को नमस्कार किया, कैबिनेट ने पूरा का पूरा बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज वही मोदी जी उस मूर्ति को उस समय हटवा रहे हैं जब पूरा देश में इलेक्शन हो रहा था। मोदी जी ये मत भूल जाओ, ये समाज जागरूक हो गया है और ये जानता है कि सबसे बड़ा बहुजन समाज का भगवान डॉक्टर अम्बेडकर है। दलितों ने दिल्ली जंतर मंतर घेरो का ऐलान कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं जब मूर्ति हटाई गई उसके दूसरे दिन ही मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया और मैंने सारे देश के लोगों से आह्वान किया, जो मूर्ति 1962 में लगी थी और तमाम लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद इस मूर्ति को लगाया था पार्लियामेंट पर, और वो इसलिए लगाया था कि हमारे जो लोग हैं बहुजन समाज के लोग, वो इस मूर्ति से ये प्रेरणा लें कि ये जो संसद है जहां से कानून बनता है इस पर कब्जा करें। लेकिन ये मनुवादियों को अच्छा नहीं लगा। मनुवादी ये जानते हैं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति खड़ी है और बार बार ये उंगली लेकर ये कह रहे हैं कि इस पर संसद पर कब्जा करो, जो सबसे बड़ी देश की पंचायत। डॉक्टर अम्बेडकर को इसीलिए और इस मूर्ति के नीचे झाड़ू भी लगाई थी। ये गिर गया, ये इनकी एक फितरत रही है। अभी 14 अप्रैल को तमाम कैबिनेट आई और कैबिनेट ने पूरा भगवान बुद्ध बाबा साहब को नमस्कार किया, कैबिनेट ने पूरा का पूरा बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज वही मोदी जी उस मूर्ति को उस समय हटवा रहे हैं जब पूरा देश में इलेक्शन हो रहा था, और इलेक्शन के समय यह होता है कि किसी भी चीज को इधर से उधर न किया जाए। लेकिन इन लोगों ने यह मौका देखा कि मूर्ति हटा देंगे और ऐसे समय पर हटाएंगे जब से लोग आंदोलित नहीं होंगे और लोग सामने नहीं आएंगे। लेकिन मोदी जी ये मत भूल जाओ, ये समाज जागरूक हो गया है और ये जानता है कि सबसे बड़ा बहुजन समाज का भगवान डॉक्टर अम्बेडकर है। डॉक्टर अम्बेडकर को आपने जो हटाया है इसकी सजा आपको मिलेगी और जिसने हटाया है उसकी औलादों तक से उसका बदला लिया जाएगा। तुमने जिस मूर्ति को हटाया है बाबा साहब अम्बेडकर की को, तुमको क्या मुसीबत आ गई, क्या परेशानी आ गई? लेकिन इनकी फितरत है, पहले ये हाथ जोड़ते हैं फिर ये गोली चलाते हैं। इसी तरह से नाथूराम गौडसे को जब पैर छुए गए और फिर नाथूराम गौडसे ने गांधी को गोली मारी, ये अभी भी जिस दिन पार्लियामेंट में इन्होंने शपथ ली है इन्होंने संविधान को नमस्कार किया। संविधान को नमस्कार करने का मतलब इनकी कोई श्रद्धा विरदा नहीं है, ये हाथ जोड़कर ही उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा देश के तमाम लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, 9 अगस्त को आप लोग पार्लियामेंट पर आओ और अपने बाबा साहब अम्बेडकर अपने मसीहा का फोटो वहां पर पुणे से वो मूर्ति स्थापित की जाए, और जब तक ये आंदोलन चलता रहना चाहिए जब तक बाबा साहब की मूर्ति पुणे से पार्लियामेंट के सामने स्थापित नहीं हो जाती। मैं देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों से, ओबीसी लोगों से और यहाँ के तमाम अल्पसंख्यक लोगों से, बौद्धों से और तमाम भूखे नंगे लोग जो हैं, गरीब और मजदूर हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि एक साथ आओ और बाबा साहब की मूर्ति के लिए चाहे आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। वक्ते जिहाद है सबे रक्त का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस्त का नहीं, बुलावा सर फरोशों का हुआ आज फिर है मैदान जानदारों का, मरीज इसका नहीं। जो लोग जानते हैं, जो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जो बलिदान करने के लिए तैयार हैं, ये वक्त आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी अस्मिता का सवाल है, ये बहुजन समाज की अस्मिता का सवाल है, ये सम्मान का सवाल है, ये बाबा साहब के सम्मान का सवाल है। मैं तमाम लोगों से, देश के लोगों से अनुरोध करूंगा। और दूसरी बात यह है, 17 सितंबर को पटना में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे। आप बुद्ध गया के बोधि मंदिर को मुक्त कराने के लिए, महाबोधि मंदिर को मुक्त कराने के लिए 30 साल से नहीं 100 साल से अनागारिक धर्मपाल ने इस आंदोलन को चलाया, उसके लिए हम पुणे इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। आप लोग वहां पर पटना में पहुंचिए, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हिमालयंस लोग
इस कार्यक्रम को चलाने के लिए और इस आंदोलन को चलाने के लिए आगे आ गए हैं। अब आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। उधर बुद्ध गया के मंदिर को मुक्त कराना है, इधर बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करवाना है। ये दो काम हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे सम्मान का सवाल है, बाबा साहब की इज्जत का सवाल है। इन्होंने बगैर मूर्ति बताए हुए, बगैर लोगों को सूचना दिए हुए, बगैर नोटिफिकेशन दिए हुए इन्होंने मूर्ति को हटा दिया। इसलिए भारत सरकार, यदि कोई घटना होती है दिल्ली में, यदि कोई घटना होती है देश में, इस बात की जिम्मेदार ये भारत सरकार होगी, बीजेपी होगी और मुख्य रूप से ये मोदी होंगे और मोदी के चमचे होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आह्वान करता हूं कि आप पार्लियामेंट पर आइए, जंतर मंतर पर आइए और पटना के गांधी मैदान में 17 सितंबर को आइए, ताकि आंदोलन और तेज होकर हम अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ सकें और जीत सकें। मुख्यमंत्री ने जितने भी कांवड़ यात्रा के दौरान जो रेड़ी पटरी लगती है उनके सब पे बोला कि अपना नाम लिखेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, ये गैर कानूनी है, ये जो लोग कर रहे हैं अपनी मनमानी, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि कावड़ लेकर आए तो वहां पर बहुजन समाज के लोगों की, मुसलमानों की, अन्य लोगों की दुकानें होंगी और यही लोग वहां पर झगड़ा करेंगे, फिर उस पर NSA लगाया जाएगा किसी दुकानदार का नाम लेकर। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब तक कावड़ चल रही है तब तक अपनी दुकानों को बंद करो, नहीं तो ये आप कोई आप वो मत लगाइए, ये लोग किसी भी तरह से इसको समाज में विद्रोह और बगावत, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर ये पुनः से देश में बगावत करना चाहते हैं।